नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले कल जो था हमने डिस्कस किया था HPGK का सेक्शन, आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप अपने टेलीग्राम से @allexam31 भी सर्च कर सकते हैं। आपको हमारा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट PDFs और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन है 136। यहाँ पर पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज। ये जो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी ये किस युग से संबंधित है? तो ये कौन से युग से संबंधित है? ये ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन सी ब्रॉन्ज एज जो है वो सही आंसर है। अब ये कांस्य युग से संबंधित है। यहाँ से भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। हड़प्पा, हड़प्पा की बात की जाती है तो हड़प्पा की खोज जो था वो किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, 1921 में इसको खोजा गया था। मोहन जोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मोहन जोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 में। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 137 क्वेश्चन देखिए, शिल्प वेदा इज अ उप वेदा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शिल्प वेद जो है वो निम्नलिखित में से कौन से वेद का उप वेद है? देखो तो कौन से वेद का ये उप वेद है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक या दो बार ही अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन से वेद का है? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन सी अथर्ववेद का ये उपवेद है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि गोपथ ब्राह्मण जो है वो कौन से वेद से संबंधित हैं? तो गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंध रखते हैं। और इसके अलावा ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। सामवेद जो है ये बात करता है संगीत से रिलेटेड, और अथर्ववेद किससे रिलेटेड बात करता है? यहाँ पर औषधियों से रिलेटेड बात की जाती है, ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड बात की जाती है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड बात यहाँ पर की जाती है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय। तो जैनिज्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन ए सही आंसर है, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ के द्वारा जैनिज्म की खोज की गई थी। अब जैनिज्म की बात हुई है तो ऋषभदेव ने इसकी खोज की थी। अगर और भी आप इसके बारे में कुछ जानेंगे तो इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जो था इसके पहले तीर्थंकर थे। अब यहाँ से आप एक और डाउट क्लियर कर लीजिए महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्ण हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इनकी माता का नाम भी एग्जाम में पूछ जाता है तो माता का नाम त्रिशला था, और इनकी पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है तो पत्नी का नाम यशोदा था। तो ये इनकी माता और इनकी पत्नी का नाम भी आप याद रखिए। माता और पत्नी के अलावा बुद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। तो बुद्ध धर्म की अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? बुद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी, और बुद्ध धर्म की स्थापना जब महात्मा बुद्ध ने की थी तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्ण लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो था वो 483 ईस्वी पूर्ण कुशीनगर में हुई थी। ये इनका जन्म और मृत्यु के बारे में आप याद रखिए महात्मा बुद्ध के बारे में। अगला क्वेश्चन है 139, कैपिटल ऑफ चोलास वॉज। तो चोलों की राजधानी जो था वो कहाँ पर थी? देखो चोलों की राजधानी कहाँ पर थी, 139 की बात करेंगे तो ऑप्शन ए तंजौर जो है वो सही आंसर है। तंजौर में थी चोलों की राजधानी। अच्छा देखो चोलास के बारे में तो बाद में कभी बात करेंगे, परंतु अभी कुछ महाजनपद मुझे लगता है हमें रिवाइज करने चाहिए। तो कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मगध जन महाजनपद की राजधानी राजगृह में थी, पांचाल एक महाजनपद था इसकी राजधानी कांपिल्या में थी, और वत्स एक महाजनपद था इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी, और अगर बात करें मल एक महाजनपद था इसकी राजधानी कुशीनारा में थी, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली में थी, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी में थी, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी में थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी, कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुरा में थी। तो ये सब अब महाजनपदों के बारे में याद रखिए। 140 देखिए, हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था?
अकबरनामा किसने लिखा? 140 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो अकबरनामा किसने लिखा? ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये आप याद रखिए अकबरनामा के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ और इन ग्रंथों की रचना किसने की आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हर्षचरित एक ग्रंथ है, इसकी रचना जो था वो बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। कादंबरी ग्रंथ की रचना बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की रचना जो था वो विष्णु शर्मा ने की थी। और इंडिका एक ग्रंथ था, इंडिका ग्रंथ की स्थापना मैक्सनीज ने की थी। राज तरंगिनी एक ग्रंथ था, इसकी स्थापना कलहन ने की थी। और वृहंत संहिता की स्थापना वरामहिर के द्वारा की गई थी। मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कुमार संभवम हो गया, इन ग्रंथों की स्थापना कालिदास के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ मैंने आपको बताए, इनकी स्थापना किस किसने की थी ये भी आप याद रखिए। अब देखो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, उसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। नागानंद एक ग्रंथ है, नागानंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अगला क्वेश्चन देखिए 141। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? तो नादिर शाह ने भारत पर किस साल आक्रमण किया था? नादिर शाह के द्वारा भारत पर 1739, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 1739 में आक्रमण इनके द्वारा किया गया था। अब और यहाँ से आप क्या जानेंगे, तो देखो पहले नादिर शाह के बारे में जान लीजिए। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो था वो दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण जो था वो हुआ था, ये आपको पता चल गया। हल्दी घाटी की संधि पर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 1576 में हुआ था। दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई थी? तो 1582 में इसकी घोषणा की गई थी। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? 142 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 142 का ऑप्शन ए लाहौर जो है वो सही आंसर, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। अब कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो टेमर क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से वॉइसराय के कार्यकाल के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफिन के कार्यकाल के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस की अगर आप बात करेंगे तो देखो कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? पहला सेशन बम्बई में हुआ था, 1885 में हुआ था। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेशन जो कांग्रेस का आता है वो 1906 का सेशन आता है, ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। 1907 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। 1907 के बाद जो है जो इम्पोर्टेंट सेशन है, 1924 का सेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये सेशन जो था वो कब हुआ था, 1924 का, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था और बेलगाम में ये सेशन हुआ था। और लाहौर में एक सेशन हुआ था इनका 1929 में, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये सेशन हुआ था। और 1939 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सेशन हुआ था, कराची में ये सेशन हुआ था। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में आपको बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143, यहाँ पर पूछा गया है गांधी जी अटेंडेड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड इन 1939? तो कुछ तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल में पार्ट लिया था? तो इन्होंने द्वितीय जो सेशन था, सेकेंड सेशन था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 143 का ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1931 तक चला था, नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। और सेकेंड जो सेशन था ये सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चला था,
महात्मा गांधी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा जो सेशन था वो कब हुआ था, कब से लेकर कब तक चला था, तो ये तीसरा सेशन 1932 में हुआ था। ये आप इन तीन सेशंस के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। देखो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, ये याद रखिए। पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता जो था वो 1932 में हुआ था। ये दो समझौते भी आपको साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निकिटिन वॉज आ, तो निकिटिन था, निकिटिन कौन था। निकिटिन एक रशियन मर्चेंट था, ऑप्शन सी रशियन व्यापारी था निकिटिन एक। तो कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये मेमोराइज ही करने हैं, याद ही करने पड़ेंगे, रट्टा ही मारना पड़ेगा, ताकि अगर रिपीट किया जाए क्वेश्चन तो आपको हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन है 124। 124 क्वेश्चन में पूछा गया है शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड, तो शिवाजी का जो शासन प्रबंधन था वो क्या कहलाता था, उसको अष्ट प्रधान कहते थे। याद रखिएगा अष्ट प्रधाना शिवाजी का शासनकाल था, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब ये जो अष्ट प्रधान थे शिवाजी के, यहाँ पर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था, तो राजस्व मंत्री को जो था वो अमात्य कहा जाता था। अमात्य मंत्री राजस्व मंत्री जो यानी कि फाइनेंस देखता था उसको कहा जाता था, और जो विदेश मंत्री होता था उसको क्या कहा जाता था, विदेश मंत्री को दबीर कहा जाता था। तो ये दो तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दिए, बाकी आप देख लीजिए। वन अगला क्वेश्चन देखिए 25। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग चौरी चौरा इंसिडेंट। जब चौरी चौरा का इंसिडेंट 1922 में हुआ था, तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड रीडिंग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग जो था उस टाइम भारत के वायसराय थे। अब लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान जो था ये चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था 1922 में। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से लेकर कब तक चला, 1921 से लेकर 1926 तक लॉर्ड रीडिंग का जो था वो कार्यकाल चला था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब से लेकर कब तक चला था। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको और पता होना चाहिए कि गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, तो ये कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक इन सभी पर आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।